हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स के बारे में। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज करते हैं, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन डालेगी और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए। तो पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद, इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स, जो कि हमारे पास 15 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी एमआरपी 329। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स को इंतास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर कंपोजिशन से हैं पेरोक्सिस प्रोलोंगिस रिलीज टेबलेट्स आईपी 12.5 जी टेबलेट्स। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है पेरोक्सिटिन 12.5 जी टेबलेट्स। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है डिप्रेशन का इलाज, पैनिक डिसऑर्डर का इलाज और एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स का डोज और डोजन की बात करें, उसका डोज और डोजन आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोजन अपने डॉक्टर की दीर्घ में इस्तेमाल करें। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में हो सकता है मिचली आना, मुँह में सूखापन होना, भूख में कमी होना, उलझन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स पैक्सेप सी आर टेबलेट्स। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स के अंदर जो मेडिसिन रहती है यानी कि पेरोक्सिटिन 12.5 जी टेबलेट्स, वो एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंस होता है। यह ब्रेन में रासायनिक मैसेंजर सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाकर काम करता है। यह मूड और डिप्रेशन शारीरिक लक्षणों में सुधार करता है और पैनिक डिसऑर्डर, चिंता और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षणों से राहत देता है। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हमें कमेंट सेक्शन बताएं, अदर पर डिस्कशन में ईमेल दिए वहाँ पर बताएं। पैक्सेप सी आर 12.5 जी टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।